हिप को नीचे पुश करते हुए सामने देखें और दोनों हाथों को पहले घुटने की ऊपर रखें और बैलेंस बनाएं। हिप को नीचे पुश करते रहें और फिर दोनों पाम्स को चेस्ट के सामने रखें और फिर धीरे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे सुपर इजी सिंपल और इफेक्टिव योगासनों के अभ्यास जिनकी मदद से आपका पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम जो है हेल्दी रख पाने में आपको मददगार साबित होगा। अब यूरिनरी जो सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे, जैसे कि किडनी आ गई, हमारी यूरेथ्रा आ गया, हमारी ब्लैडर आ गई, पेशाब की थैली आ गई, महिलाओं में यूट्रस आ गया। तो इन अभ्यास को अगर आप करते रहते हैं तो आपकी किडनी भी स्वस्थ रहेगी, यूट्रस, यूरेथ्रा, ब्लैडर तो स्वस्थ रहेगा, साथ ही यूटीआई का जो फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन हो जाता है यानी यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन हो जाता है उससे भी आप बचे रहेंगे। अगर आपको यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन नहीं भी होता है तो पूरी की पूरी यूरिनरी सिस्टम तो हेल्दी रहता है, साथ ही आपके जननांगों पर भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों दोनों पर। यूँ तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है महिलाओं में भी होता है पुरुष में भी होता है, लेकिन पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में इसका जो इन्फेक्शन है बहुत अधिक देखने के लिए मिलता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है? तो इसका सबसे सिंपल सिम्टम्स इस तरीके से होते हैं कि अगर कभी आपको ऐसा हो कि पेशाब लगे, पेशाब आप जाएं लेकिन जितनी आपको अर्ज हुई थी उतनी पेशाब ना आए, या कि जब आप पेशाब करते हैं तो पेशाब के रास्ते में जलन हो, या कि जब आप पेशाब करें टॉयलेट करें तो आपकी आपको उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल आए। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं अगर ऐसा कभी भी हो। और अगर पेशाब जब आप करें तो पेशाब का रंग कैसा होता है? हल्का येलो होता है, लेकिन हल्का येलो ना हो कि अगर उसका रंग गाढ़ा हो, रेडिश हो, पिंकिश हो या कोला कलर का हो तो समझ जाइए कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ये सिम्टम्स हैं। आपको तुरंत डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए और साथ ही इन योगाभ्यासों को आपको करना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाली, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए आए हैं चैनल के साथ जुड़ जरूर जाइएगा, इसके लिए नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना उसको ज़रूर दबा लीजिएगा। साथ ही आप चाहते हैं मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाया करें तो इसके लिए नीचे घंटी का निशान जो है उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आज की वीडियो में हम वो सारे अभ्यास करेंगे जिनकी मदद से हमारे पेल्विक रीजन पर ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो, और ना सिर्फ पेल्विक रीजन पर बल्कि पूरी की पूरी हिप रीजन की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो, जिससे कि ये मदद करेंगे हमारे जेनाइटल को स्वस्थ रखने में, साथ ही आपकी किडनी और पूरी की पूरी लोअर बॉडी पर बहुत अच्छा इफेक्ट हो। तो सबसे पहले जो योग आसन का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है बद्ध कोण आसन। अब इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों पैर के आपके जो पंजे हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, ज्वाइन सोल ऑफ योर फीट टुगेदर लाइक दिस, इस तरीके से। जब आप दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, हो सकता है किसी किसी इंसान की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा ना हो तो पैर यहाँ तक, घुटने यहाँ तक हो, जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो है उतना ही अभ्यास करना है, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, मतलब कुश्ती नहीं लड़ना है अपने शरीर के साथ कि जैसा दिख रहा है स्क्रीन में वैसे ही हो, क्योंकि मैं अभ्यास बहुत वक्त से कर रही हूँ, हो सकता है अभ्यास आपने अभी शुरू किया हो तो आप अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार इसका अभ्यास करें। अब कोशिश करें अपनी एड़ी को अपने पेल्विक रीजन, अपने जेनाइटल के और पास लेके आएँ ऐसे, और धीरे से दोनों हाथों को जैसे ही आप बॉडी के पीछे रखेंगे ना तो ऐसे आपका घुटना थोड़ा सा स्लाइटली ऐसे डाउन चला जाएगा। ये अभ्यास बहुत ही, आप जब करेंगे तो तुरंत आपको थोड़ा सा ईजीनेस महसूस होगा। अब दोनों पैर के पंजों को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लें और बहुत धीरे धीरे ऐसे फ्लैप करेंगे अपने दोनों पैरों को, जैसे कि तितली के पंख फड़फड़ाते हैं ना, इसीलिए कॉमन लैंग्वेज में इसे बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं या बटरफ्लाई तितली आसन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से उंगलियों को ऐसे इंटरलॉक कर लें, पैरों को ऐसे पकड़ लें और इस तरीके से अपने दोनों घुटनों को ऊपर नीचे ऐसे करें। अगर फ्लेक्सिबिलिटी किसी किसी की बहुत अच्छी है, पतले दुबले हैं, तो क्या करेंगे ऐसे
ऐसे, अगर ऐसे आवाज ना पाए तो देखिए घबराइए नहीं, हम सभी इंसान हैं और जैसे जैसे अभ्यास करते रहेंगे वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे किया, इतना ही करने मात्र से पूरी की पूरी इनर थाइस पर और कूल्हे के आसपास बड़ा ही आप अच्छा महसूस करेंगे। अब जैसे ही हो जाए तो थोड़ा सा 5 से 10 सेकेंड दोनों हाथों को ऐसे सामने वॉक करते हुए जितना हो सके यहाँ पर होल्ड करें, दोनों पाम्स को ऐसे मैट पर रखें। ज़रा साइड से देख लें इसी अभ्यास को, पास से रखा और धीरे धीरे पाम को ऐसे मैट पर वॉक करवाते हुए धीरे धीरे जितना हो सके आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं और जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो उस हिसाब से इस पॉस्चर को होल्ड करें। पहले चेक करें राइट एल्बो ड्रॉप कर दिया, लेफ्ट एल्बो ड्रॉप कर दिया, और अगर चेस्ट ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे तो होल्ड करें इस पॉस्चर को कम से कम 30 सेकेंड। 30 सेकेंड नहीं होल्ड कर सकते हैं तो 5 से 10 सेकेंड होल्ड कर लें। फिर उसके बाद ऐसे वॉक करते हुए दोनों हाथों को बॉडी के करीब लेके आए और फिर दोनों घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लें, सीटेड पवन मुक्त आसन, और दोनों हाथों को ऐसे घुमाएं, दोनों हाथों की एल्बो को ऐसे पकड़ लिया। ऐसा जब आप करेंगे तो आपकी जांघों का दबाव आपके पेट पर आएगा, थाई का दबाव आपके पेट पर आएगा। कमर सीधी रखें और यहाँ पर होल्ड करके रखें, इससे भी पेट की सारी मांसपेशियों पर इसका अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है और सारे आंतरिक अंगों पर एक गहरी मसाज मिल रही है। और यहाँ पे रेस्ट भी कर लिया, तो पहले आसन का अभ्यास हमने कर लिया। अब जो हम दूसरे आसन का अभ्यास कर रहे हैं इसका नाम है अश्व संचालन आसन। अश्व संचालन आसन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे टेबल टॉप पोजिशन पर आ जाएंगे। टेबल टॉप पोजीशन में दोनों घुटनों के बीच में आपकी कमर जितना फासला रखा है। फिर सबसे पहले अभ्यास राइट साइड से कर रहे हैं, तो राइट पैर को ऐसे उठाया और दोनों हथेलियों के बीच में रख दिया। जब दोनों हथेलियों के बीच में आप रखें तो क्या करें कि लेफ्ट घुटना जो है ना इसको धीरे 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 ऐसे एक्सटेंड कर दिया पीछे, पूरा ऐसे एक्सटेंड करें पीछे, और जो अंगूठा है राइट लेफ्ट पैर का इसको ऐसे आप बाहर की तरफ मोड़ दें, ऐसे टक मत कीजिएगा, ऐसे बाहर की तरफ मोड़ दें। फिर क्या कीजिए, हिप को आप पूरा नीचे की तरफ पुश कीजिए। जब आप ऐसा अभ्यास करते हैं तो पूरी थाई के अराउंड, पूरी की पूरी कूल्हे पर हिप्स के अराउंड, साथ ही आपकी जांघों के सामने हिप फ्लेक्सर पर इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जो कि मदद करता है आपके जेनाइटल्स को हेल्दी रखने में और पूरे के पूरे पेल्विक रीजन पर ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने में। इस पॉस्चर को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ मिनिमम 30 सेकेंड होल्ड करके रखें, यानी आधे मिनट तक होल्ड करके रखें यहाँ पर। और फिर उसके बाद जब आप राइट साइड से अभ्यास कर लें तो इसी अभ्यास को हम लेफ्ट साइड करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 बजे से 8 बजे जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है, तो आप देश या दुनिया के किसी भी कोने में हैं आप आसानी से इन क्लासेस को जूम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अब इन क्लासेस को जब आप ज्वाइन करते हैं तो ऐसा बिल्कुल मन में झिझक मत रखिएगा कि हम तो बिगनर हैं, हमने पहले कभी योग का अभ्यास नहीं किया तो कैसे हम जूम के माध्यम से इस क्लास से जुड़ जाएँ और अभ्यास करें। तो फिक्र की कोई बात नहीं, हर एक पॉस्चर्स को स्टेप बाई स्टेप, योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, अलग अलग तरीके की यौगिक क्रियाएं, अलग अलग तरीके की रिलैक्सेशन की टेक्निक आपको सिखाई जाती है और बिगनर्स को ध्यान में रख के। अब इन क्लासेस को जब स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं उनको बहुत सी हेल्थ कंडीशन होती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेज होती है, चाहे वो थायराइड की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, फर्टिलिटी से रिलेटेड समस्याएं, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, यूटीआई का इन्फेक्शन, और ऐसी बहुत सी ऐसी हेल्थ कंडीशन में जब आप योग का अभ्यास करते हैं ना, अपनी मेडिकेशन तो चल रही है आपकी, डॉक्टर्स के आप सलाह में तो हैं ही, उन मेडिकेशंस को कर ही रहे हैं, साथ ही जब योग का अभ्यास करते हैं तो आपको उन हेल्थ कंडीशन से उभरने में और भी ज़्यादा मदद मिलती है और आप उन हेल्थ कंडीशन से आसानी से अपने लाइफस्टाइल को सही करके उभर सकते हैं।
अब अगर आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को सुबह 7 से 8 ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो मैंने कुछ कोर्सेज डेवलप किए हैं जो कि सुपर इजी, सिंपल लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जो कि आपको मदद करेंगे हर दिन योगा अभ्यास करने में। इन सारी चीज़ों की जो डिटेल है मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट जो www.yogawithshahida.com पे है यहाँ पर सारी शेयर की है, आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और अगर वेबसाइट पर विज़िट नहीं करना चाहते हैं तो सिंपल सा जो ये व्हाट्सएप नंबर है ना, इस व्हाट्सएप नंबर पर एक हाई लिख दीजिएगा, आपको क्लास के बारे में सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। लेफ्ट साइड से अभ्यास करें तो आप फिर से देखें, मैंने लेफ्ट पैर को दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रखा है ऐसे, और राइट घुटना जो है इसको पीछे धीरे धीरे ऐसे एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद जो अंगूठा है इसको बाहर टर्न कर दिया और हिप को नीचे पुश किया और ऐसे सामने देख रहे हैं। जब आपने अभ्यास राइट साइड किया, फिर उसका अभ्यास आपने लेफ्ट साइड किया, तो दोनों तरफ की बॉडी में इसका अच्छा असर पड़ गया। तो कभी भी अभ्यास एक साइड करें तो उसी अभ्यास को दूसरी साइड भी ज़रूर रिपीट करें। अगर एक साइड 30 सेकेंड रोक रहे हैं तो दूसरी साइड भी 30 सेकेंड रोकें और दोनों पाम को मजबूती से ऐसे रखें मैट पर और सामने देखें। तो ये तो हो गया आपके अश्व संचालन आसन का अभ्यास। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग ना इस पोस्चर में बड़ी गलती करते हैं, जो कि मैं अपनी ऑनलाइन योगा क्लासेस में नोटिस करती हूँ, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। तो गलती क्या करते हैं लोग कि ऐसे तो राइट पैर को दोनों पाम के बीच में रख लिया, कभी क्या करते हैं पैर को बहुत आगे रख लेंगे ऐसे, या पैर को बहुत पीछे रख लेंगे ऐसे। तो ऐसे करते हैं तो क्या होता है, पहली बात तो ये ऐसे स्क्वायर का शेप आ गया ऐसे, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें रेक्टेंगल का शेप चाहिए। तो जब आप हिप को नीचे पुश करते हैं तो फिर क्या होता है ऐसे, तो इनका लोगों का क्या होगा मिस्टेक, क्या करते हैं घुटना ऐसे आगे पुश करेंगे, एड़ी ऐसे उठ जाएगी। तब इस तरीके का शेप इसमें आपको बिल्कुल भी हिप जॉइंट्स पर इफ़ेक्ट वो नहीं महसूस होगा, आप चाहें तो खुद करके देखिएगा। और दूसरी बात क्या करते हैं, पीछे वाले पैर को एक्सटेंड नहीं करते हैं, आगे वाले पैर को ऐसे पुश करते हैं। तो ये गलती है, इस गलती को सुधारने के लिए तुरंत आप हमेशा अपने एक पैर के पंजे यानी अभी राइट फुट को दोनों पाम के बीच में रखा है और पीछे वाले पैर को और पीछे एक्सटेंड करें ऐसे। जब आप एक्सटेंड करेंगे ना तो आगे आपको पुश नहीं करना है, अगर आगे पुश करेंगे घुटना ऐसे है तो घुटने पर प्रेशर आएगा, प्रेशर घुटने पर नहीं देना है, तुरंत तो नहीं, लॉन्ग टर्म में आपको घुटने के अराउंड वो टेंशन महसूस होगी। तो आपको बस हिप को नीचे पुश करना है ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये पूरा का पूरा इफेक्ट अब आप करेंगे तो पेल्विक रीजन पर आएगा, तो ये कॉमन मिस्टेक बिल्कुल ना करें। अब बढ़ते हैं अगले आसन के अभ्यास की तरफ, उसके पहले रेस्ट करेंगे। तो आराम से शशांक आसन, एड़ी को एक दूसरे से दूर किया, अंगूठे को जोड़ के रखा है और आराम से ऐसे बैठे हुए शशांक आसन में जब आप बैठे हैं तो थाई का दबाव पेट पर आ रहा है, इससे क्या होगा पेट की सारी मांसपेशियां जो हैं, सारे के सारे आंतरिक अंग जो हैं उनमें दबाव पड़ रहा है। ये दबाव पड़ने से इनका फंक्शन जो है इम्प्रूव होगा, स्टिमुलेट होगा। और दोनों हाथ की मुट्ठियां बना लें ऐसे और हेड को ऐसे ड्रॉप कर दें और यहाँ पर रेस्ट करें कम से कम 1 मिनट तक। अब अगर आपका जो बेली है बहुत बड़ा है ना और थाई मोटी है तो घुटनों को ऐसे एक दूसरे से दूर कर लें, फिर ऐसे हेड को ड्रॉप कर दें और 1 मिनट तक इस पोस्चर में आराम करें। अब आपने अश्व संचालन आसन तो सीख लिया, अब जो अगला पोस्चर बता रही हूँ वो ना सिर्फ हिप जॉइंट पर बल्कि पूरी की पूरी एब्डोमिनल मसल्स पर इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा। कर रहे हैं अर्ध चंद्रासन का अभ्यास। अर्ध चंद्रासन का अभ्यास करने के लिए अश्व संचालन आसन के वही सारे स्टेप्स आप फॉलो करें। टेबल टॉप पोजीशन पे आ गए हैं, सामने देखते हुए अपने राइट फुट को दोनों पाम के बीच में ऐसे रखा, लेफ्ट घुटने को एक्सटेंड कर दिया ऐसे पीछे की तरफ ऐसे।
जब ऐसे एक्सटेंड किया, सामने देख रहे हैं, तो फिर धीरे से दोनों पाम को पहले घुटने पर रखिए, बैलेंस बनाइए। फिर दोनों पाम्स को चेस्ट के आगे रखिए, बैलेंस बनाइए। फिर धीरे से दोनों पाम्स को ऐसे सर के ऊपर ले जाते हुए एक स्ट्रेच दें, आर्च करें और छत की तरफ देखें। ऐसे ब्रीद करते रहें, मिनिमम इस पोस्चर को 30 सेकेंड होल्ड करें। फिर उसके बाद वापस आने के लिए दोनों पाम्स को वापस से अपनी चेस्ट के सामने जोड़ा, घुटने के ऊपर रखा और अश्व संचालन आसन में आ गए और टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद वापस से वज्रासन में बैठ गए। देखा कितना आसान आसन था। जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे थे तो जैसे ही आपने आर्च किया तो पूरी की पूरी पेट की मांसपेशियाँ अच्छी तरीके से, पूरी की पूरी यूट्रस पर इसका इफेक्ट देख रहे हैं, ऊपर की तरफ खिंच गई है ना, जिससे किडनियों पर इसका अच्छा असर आया। ना सिर्फ किडनियाँ बल्कि आपकी आंतों पर, इंटेस्टाइन पर, चेस्ट पर, पूरे हार्ट और लंग्स का फंक्शन इंप्रूव होगा और आपकी बॉडी का पॉस्चर इंप्रूव होगा। साथ ही हिप को नीचे जब पुश कर रहे थे ना, तो हिप को नीचे पुश करते हुए पूरे पेल्विक रीजन पर ब्लड फ्लो इंप्रूव हो गया। अब हमने ये अभ्यास राइट साइड किया तो इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड करेंगे। तो आराम से टेबल टॉप पोजीशन पे आ गए हैं। टेबल टॉप पोजीशन पे आने के बाद अपने लेफ्ट पैर को दोनों हाथ की हथेलियों के बीच में रखेंगे ऐसे, ठीक है। अब ऐसे रखने के बाद अपने राइट घुटने को पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे 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 और बिग टो को आउट और हिप को नीचे पुश करेंगे। हिप को नीचे पुश करते हुए सामने देखें और दोनों हाथों को पहले घुटने की ऊपर रखें और बैलेंस बनाएं। हिप को नीचे पुश करते रहें और फिर दोनों पाम्स को चेस्ट के सामने रखें और फिर धीरे से सांस लेते हुए आर्च योर बैक ऐसे ब्रीद करते रहें। 30 सेकेंड इस पॉस्चर को होल्ड करके रखें ऐसे। तो जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं, आर्च करते वक्त अभ्यास कर रहे हैं, तो पूरी की पूरी पूरे पेल्विक रीजन पर, पूरे के पूरे हिप जॉइंट्स पर, पूरी हिप फ्लेक्सर पर और इनर थाइस पर इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट आया और पूरे के पूरे अपर बॉडी पर इसका अच्छा इफेक्ट आया। इसका अभ्यास करने के बाद फिर से शशांक आसन में हम करेंगे रेस्ट। तो दोनों घुटनों को मोड़ लिया, एड़ी के ऊपर बैठ गए और रेस्ट कर रहे हैं। हम अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं, इसका नाम है जानू शीर्षासन। इस आसन को करने के लिए बड़ा आसान आसन है लेकिन बड़ा ही इफेक्टिव आसन है। दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच कर लें, सामने देखें। आप पहले अभ्यास राइट साइड से करेंगे तो राइट पैर को अपने घुटने से मोड़ते हुए राइट फुट को लेफ्ट थाई के पास लेके आए, एड़ी जो है आपकी लेफ्ट इनर थाई के पास और अंगूठा जो है लेफ्ट घुटने की तरफ ऐसे हो और अंदर की तरफ रखें। सांस लें और दोनों हाथों को ऐसे बाजुओं को बाइसेप कान के पास हो और दोनों हाथों को आपने ऐसे छत की तरफ खींचा और ऐसे थोड़ा सा लीन बैक हो गए, यानी पीछे की तरफ झुकें और सामने देखें। पेट पर कंट्रोल बना के रखें, एंगेजमेंट बना के रखें, यानी पेट को टाइट करके रखें और सांस छोड़ते हुए जितना हो सके अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें और हाथ का खिंचाव आगे की तरफ महसूस करें ऐसे। तो जब आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो पेट पर बड़ा अच्छा दबाव आ रहा है इसका, लोअर बैक पर पूरा खिंचाव आ रहा है इसका, थाई का दबाव आपके पेट पर आ रहा है। तो जब दबाव आ रहा है किडनियों की सेहत, आपके जेनाइटल पर बड़ा अच्छा इफेक्ट आएगा। और धीरे से हेड को अपने नी की तरफ ड्रॉप कर दें ऐसे और ब्रीद करते रहें ऐसे, ब्रीद करते रहें। अब ध्यान दें कि इस अभ्यास को करते हुए फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपकी कम है तो हाथ हो सकता है इतना आगे तक ना पहुंचे, तो हाथ जहां तक पहुंचे वहां पर पाम को रख दें, बस आपकी लोअर बैक पर इसका अच्छा खिंचाव आए, हैमस्ट्रिंग्स पर अच्छा खिंचाव आए और पेट पर ज़रूरी है कि दबाव आए, चेस्ट जो है आपके घुटने की तरफ रहे। अगर पूरा ना झुक पाए तो सिर्फ इतना झुके जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करेंगे। अब राइट पैर को फिर से सीधा कर लें और एक एक आसन को, हर एक आसन को आपको तीन तीन बार करना है, तीन बार राइट, तीन बार लेफ्ट और एक पोस्चर को 30-30 सेकेंड रोक के रखना है। राइट पैर को सीधा कर लिया, लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ कर
लेफ्ट पैर के पंजे को ऐसे राइट थाई के पास रख लिया, ठीक है ना। अब ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे, तो घुटना मुड़ गया। अब चेस्ट जो है लेफ्ट राइट अंगूठे की तरफ है, ऐसे सांस लिया, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुक गए और सांस छोड़ते हुए जितना हो सके स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें और आगे झुकते जाएं, पैर ना पकड़ पाए, जहां तक हाथ पहुंचे वहां तक लेके जाएं, सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने की तरफ। तो इस पोस्चर को कम से कम आपको 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है और ऐसे ब्रीद करते रहना है, फिर सांस लेते हुए वापस से दोनों हाथों को बॉडी के साइड में। तो इस पोस्चर को भी 3 बार अभ्यास कर लीजिएगा, मिनिमम 30 सेकेंड होल्ड करके रखें। अब अगला आसन जो अभ्यास कर रहे हैं, इसका नाम है धनुरासन या बो पोज। तो इसके अभ्यास के लिए आपको आराम से अपनी योगा मैट पर लेट जाना है, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, दोनों के जेनाइटल्स के लिए सारे पोस्चर्स बड़े ही ज़्यादा अच्छे हैं और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो आराम से लेट जाएं ऐसे और अपने चेस्ट को मैट पर ड्रॉप कर दें। अब धीरे से क्या करें, अपने राइट पाम से राइट एड़ी को पकड़ लें और लेफ्ट पाम से लेफ्ट एंकल को, एड़ी को नहीं एंकल को पकड़ लें और दोनों घुटनों के बीच में आपके कमर जितना फासला है, फिर अपने माथे को ऐसे फ्लोर पर ड्रॉप कर दें, फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे सर उठाया, चेस्ट उठाया और नीचे से थाई को उठाया, पूरे के पूरे पेट पर बड़ा अच्छा इसका दबाव आ गया और ऐसे छत की तरफ देखें और सांस छोड़ते हुए फिर से ऐसे माथे को चेस्ट को ड्रॉप कर दें और दोनों पैरों को रिलीज कर दें। अब देखिए, बहुत बार ऐसा होगा कि लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होगी या बड़े बुज़ुर्ग होंगे या घुटने में दर्द है या थाई बड़ी मोटी है, अभ्यास अभी शुरू किया है, तो आप क्या करें, दोनों पैर से ना करके इसका अभ्यास एक पैर से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि अपने लेफ्ट हाथ को एल्बो से मोड़ लें, कुहनी से मोड़ लें और सिर्फ एक पैर यानी राइट पाम से राइट एंकल को ऐसे पकड़ा और धीरे से सांस छोड़ दिया, सांस लेते हुए और इसको कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करके रखें ऐसे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। जब इस तरीके से राइट से अभ्यास कर लें तो यही अभ्यास लेफ्ट की तरफ से भी जरूर करें। सांस ले, हेड अप चेस्ट अप, होल्ड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। जब यह अभ्यास कर लें तो फिर रेस्ट करें। शवासन में हम लेट जाएंगे और शवासन में लेटने के बाद अपनी पूरी बॉडी को आराम करने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट लेट जाएंगे। जब आप लेटेंगे ध्यान रखें कि दोनों पैरों के बीच में फासला कर दें, दोनों हाथों को बॉडी से दूर रखें और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें मैट पर। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने इन 5 योगासन को स्टेप बाय स्टेप दिखाया, समझाया और जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखनी है वो भी बताया। आई होप कि ये सारे आसन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब आप हर रोज़ जब अपना योगाभ्यास करेंगे तो इन आसनों को भी अपनी प्रैक्टिस में शामिल करेंगे। अगर आप चाहते हैं आपके सुझाव किए हुए किसी टॉपिक पर, आपके सजेस्टेड किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर नीचे आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि किस टॉपिक पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं। तो कमेंट जल्दी से कर दीजिए और मेरा प्रयास पसंद आया हो आपको तो इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस महत्वपूर्ण वीडियो को सिर्फ अपने तक ना रख के अपने दोस्तों को भी, रिश्तेदारों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस जानकारी से लाभ मिले। अपना खूब ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी। नमस्ते।